हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचा देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 मई का किसान कल्याण योजना में प्रदेश के लगभग 82 लाख किसानन के खाता में ही 1,650 करोड़ रुपया सिंगल क्लिक से ट्रांसफर कर ही। प्रदेश स्तरीय के कार्यक्रम रीवा के SF ग्राउंड में आयोजित की जाई। कार्यक्रम के तैयारियों के जायजा ले खातिर कलेक्टर मनोज पुष्प कार्यक्रम के जगह के निरीक्षण करें और कार्यक्रम खातिर अलग अलग विभागन के अधिकारियों का जिम्मेदारी दे के उनका समय से काम करे के निर्देश दें। बुलेटिन की अगली खबर मैहर से है, जहां RPF पोस्ट में ही तैनात सब इंस्पेक्टर के संगे धमकी और हमला करे के मामला में ही मैहर थाना पुलिस 4 जने के ऊपर मुकदमा दर्ज करी नहीं भाई। आरोपी में 2 जने ऑटो चालक हमा जे अपने साथी के संगे सब इंस्पेक्टर का आत्मदाह कई के उनके ऊपर केस दर्ज करवावे के धमकी दे रहे। आई सुनाई सलगे मामला माही मैहर पुलिस अधिकारी का जानकारी दे। SI अविनाश कुमार अपने थाने लौट रहे थे, सुबह 4:30-5 बजे की बात थी, और चूंकि ऑटो वाले थे वहां पर जिसमें कुछ चालानी कार्रवाई का इशू था, तो उन्होंने उनको एक फ्रेंडली वे में बोला कि आप कोर्ट में पेश हो जाइए, आपके खिलाफ कुछ चालान है। उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई और जो उनमें से एक आरोपी थे राहुल चौधरी, जिनका नाम सामने आया है इस घटना में, उन्होंने उनके हाथ में कोई लिक्विड था, उसकी पुष्टि तो नहीं है, पर जैसा ऐसा अविनाश कुमार ने बताया है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था क्योंकि इसको स्मेल नहीं थी। तो राहुल चौधरी जो थे उन्होंने SI अविनाश कुमार को डराने के इरादे से अपने ऊपर वो लिक्विड डाला और कहा कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचा लेंगे और आपके खिलाफ सिविल थाने में शिकायत कर देंगे। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही, जहां सड़क हादसा में ही चाचा भतीजा अपन जान गवाए दिए। मिली जानकारी में दोनों जने मोटरसाइकिल में बैठ के शादी के कार्यक्रम में जात रहे और गलिन में ही पिकअप ठोकर मार दी, जोने में ही दोनों जने बुरी तरीके से घायल हो गए रहे। दोनों जने का संजय गांधी अस्पताल लावा गया रहा, जहाँ शव के पोस्टमार्टम कराए के बाद रविवार का उनके परिजनन का सौंप दिन गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रविवार का बैठक करें, जोने माही जिला के प्रमुख राजनीतिक हस्ती और प्रशासनिक अधिकारी के साथ है सामाजिक कार्यकर्ता। रीवा माही पर्यटन का बढ़ावे खातिर अपन अपन मत दिन, जैसे के पर्यटन के नक्शा माही रीमा अपन अलग पहचान बनाए सके। आवे वाले नगरी और पंचायत चुनाव का देख के आम आदमी पार्टी अपन तैयारी शुरू कर दी है, जहां आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रीमा के बिछिया वार्ड नंबर 42 में ही सदस्यता के अभियान चलाएं, जोने माही युवन का पार्टी से जोड़े। आई सुनी इस समय पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा का कहें। ठेकेदार हैं और ठेकेदार रहेंगे, क्योंकि उनको ठेके के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। क्योंकि हम आपसे बता रहे हैं, यदि आपके क्षेत्र के कोटे में कोटेदार की लूट अगर होती है, उससे जो है अनाज की लूट से राजन शुक्ला का कोई मतलब नहीं है। है क्या? नहीं है। आपके क्षेत्र में पटवारी आपसे मिलने आता है क्या कि आप मिलने जाते हैं? इस व्यवस्था को देखने के लिए राजन शुक्ला के द्वारा नहीं है। आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी कल हम लोगों ने मांगी थी, तो यहाँ पर बैठे हुए AP सिंह जी जो है थाना प्रभारी जो है उनको सेवल असेवल उनसे मतलब है, जो वाकई में ठेकेदार का आदमी है, आपके द्वारा किए गए किसी FIR से उनसे कोई मतलब नहीं जब तक ऊपर से कोई फोन ना आए। इंटरनेट मीडिया में ही दोस्ती के बाद युवती का ब्लैकमेल कराए वाला रीमा के नाबालिग का पुलिस गिरफ्तार कर ली सिवाय। जैसन जानकारी मिली ओके अनुसार नाबालिग युवती के अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कराए के धमकी देत रहा। ये मामला में ही आरोपित के खिलाफ रांची पुलिस FIR दर्ज कर के जबलपुर लाई गई हमा। रीमा जिला माही नगर परिषद डभौरा में खूबे भ्रष्टाचार होतला हबे। ताजा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के आए, जहां गेदुरहा माही टूट फूट प्लास्टिक के झोपड़ी माही रह के जीवन बितावे वाली विधवा बताइन के प्रधानमंत्री आवास खातिर वो आवेदन दिए रही, पर उनका नाम सूची से हटाए दिन गया रहा। आपका नाम क्या है? गाँव? जिला? आपका नाम? नारायण। आप जात कौन है? आदिवासी। आप इनके कौन है? साधना के लड़के। जो CM हेल्पलाइन में हरीश तिवारी जी के द्वारा आपके आवास की शिकायत की गई थी, उसके संबंध में जांच करने कोई आया था? जी आए थे। कौन आया था? अरे कोई थे 3 आदमी। हाँ। अब हमें नहीं पता कौन थे, बोले हम CM हेल्पलाइन से आए हैं। हाँ, फिर क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले कि आप लोग वो फार्म डाले हैं? हाँ। तो हम बोले हाँ डाले हैं। हाँ।
तो वो लोग बोले कि दिखाओ कहाँ डाले हो बताओ। तो हम बोले हम नहीं थे, मम्मी हमारी डाली है। तो वो लोग बोले यार इनका फार्म वार्म नहीं डाला है, एक दस्तावेज बनाइए और पंचनामा लिखिए। तो वो लोग बनाए और हमसे बोले कि आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। हम बोले हम दस्तखत ऐसे कैसे कर दें, आप बनाए इसमें पंचनामा कि आप फार्म नहीं डाले हो और हमारी मम्मी बोल रही हम डाले हैं, हमारी मम्मी आ जाए हम उनसे पूछ ले फिर बताएं। और उनके बाद वो चले गए। और क्या बोले कि, और ये बोले कि क्या आप सीएम हेल्पलाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आवास। तो हम बोले नहीं मिला तो अभी तक कहे हम नहीं जी रहे हैं। आपने फॉर्म डाला था साधना जी आवास के लिए? अच्छा, जब जांच करने आए थे तो कोई नहीं आया था? आप नहीं थी ना? आपका घर कौन सा है? हाँ तो उठा के बताओ तो जरा। यही झोपड़ी है? और आपको प्रधान आवास नहीं मिला न ग्राम पंचायत से ही न नगर पंचायत बनने के बाद? रीवा माही जल जीवन मिशन में आवे वाली अलग अलग योजना के सांसद जनार्दन मिश्रा और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला करहिया नंबर एक में 94.49 लाख रुपया, द्वारी माही 27.79 लाख रुपया, कपुरी में 22.5 लाख रुपया और ग्राम कुई माही 26.55 लाख रुपया के लागत से बने वाली परियोजना के लोकार्पण करें। ये नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति है कि उन्होंने दूसरे कामों के साथ साथ ये तय किया है कि भारत के हर नागरिक को पूरे देश में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हो रहा है। केंद्र सरकार से इस योजना को मंजूर कराने में हमारे सांसद जी दिल्ली में बैठ के जिस तरीके से उन्होंने मंजूरी में सफलता प्राप्त की है, सांसद जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कैसी समस्या है जिसकी तकलीफ माँ बहन के अलावा कोई नहीं जानता। पानी जब धोना पड़ता है ना, एक हैंडपंप में लाइन लगा के डब्बा लेके या कोई कुआं है तो एक मटका के ऊपर दूसरा मटका फिर तीसरा मटका और फिर दोनों हाथ में बाल्टी लेके पानी ढोते हुए माताओं बहनों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये पीड़ा उन्हीं को मालूम है। घर में पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए पानी धोते धोते बचपन से देखा है। समस्या का समाधान अब हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। रीवा माही महाराजा रघुराज सिंह के बनवावा गोविंदगढ़ के विशाल तालाब जो उनके प्रदेश भरे माही दूसरे नंबर में हबे, वो अपने अस्तित्व खातिर जद्दोजहद में लगा हबे। सलगे तालाब माँ जलकुंभी अपन डेरा डारे हैं जेका साफ करवावे माही प्रशासन के कोनो मेर के दिलचस्पी नहीं आए। एक कारण से गोविंदगढ़ के रहे वाले युवा तालाब का साफ करवावे के अभियान चलाएं। आज अपने गोविंदगढ़ तालाब के स्वच्छता अभियान का 40वां दिन है, उसका 41वां दिन उसका आज रंग दिख रहा है। आइए हम इस अभियान को शुरुआत करने वाले नीव पत्थर बिज्जू जी से बात करते हैं, अगला क्या क्या कार्रवाइयाँ हैं। हाँ बिज्जू जी कहिए। ये जी तलाव इस नगर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की, सभी लोगों के लिए एक धरोहर है और इसमें सभी लोग सहभागी बने, अपना एक दिन का केवल अपना समय दें और इस तालाब को निर्मल करने में इस अभियान के लगे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं। रीमा माही एक नया तरीका से गौवंश के तस्करी के मामला समूहिया बहबे, पुलिस एक एम्बुलेंस का पकड़े नहीं भाई जोने माही मवेशिन का भर के ले जावा जात रहा है। ना निकल ही ऐसा नहीं, बांधे होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना निकल पाएंगे। सर ये जवाहर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एम्बुलेंस में गौवंश तस्करी का मामला सामने है, क्या पूरी तरह? एम्बुलेंस के अंदर गौवंश के सूचना मिली थी और तत्काल थाने की टीम वहाँ पहुँची तो उसमें से 4 गौवंश जीवित पाए गए जिनका ट्रीटमेंट करा के उनको गौशाला भिजवाया जा रहा है। 3 गौवंश मृत पाए गए और एम्बुलेंस में चूँकि ये परिवहन हो रहा था तो इसको डिटेल इसकी ट्रेस करने के लिए अभी SGP मौके पर हैं और वहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर 63 नंबर निकाल कर प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से एम्बुलेंस कहाँ की थी उसका पता लगाया जाए, क्योंकि जो AP का नंबर लिखा हुआ है उसकी नंबर प्लेट पे संभवतः वो नंबर ठीक नहीं है। तो अभी इस पर विवेचना प्रारंभ कर दी है, पूरा इसको हम लोग
जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।